देखो भाई, विवो के फैंस के लिए विवो V29e विवो की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप लोग ये फोन खरीदने की सोचे हो तो थोड़ा यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि कुछ बातें जो आपको विवो V29e के बारे में जान लेना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके विवो V29e के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे दोस्तों विवो V29e के डिजाइन से। नो डाउट दोस्तों, विवो हमेशा अपने फोन के अंदर एक अलग ही हटके डिजाइन देने की कोशिश करता है, और विवो V29e के अंदर भी हमें एक प्रीमियम प्रोफेशनल लुकिंग आई कैचिंग डिजाइन देने की कोशिश विवो ने यहाँ पे की है। 6.78 इंच का यहाँ पे फुल एचडी कर्व एमोलेड डिस्प्ले विवो V29e के अंदर हमें विवो ने प्रोवाइड किया है, जो कि 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली कर्व डिस्प्ले होने की वजह से इसके अंदर बेजस और चिन आपको एकदम कम देखने को मिलती है, और इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। बात करूं मैं यहाँ पे प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के साथ विवो V29e आता है। अब देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पे नोट करिएगा, स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, पर बाकी वीडियोस में आपको ये कहा जाएगा कि ये पुराना है इसीलिए ये स्टेबल प्रोसेसर है। इस जैसे में बिल्कुल मत आइएगा, ये पॉइंट यहाँ पे नोट करके आपको रखना होगा। कैमरे के बारे में मैं यहाँ पे बात करूं तो विवो V29e के अंदर रियर में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का। जी हाँ, लेजेंडरी 2 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे विवो ने ना देकर हमारे ऊपर एक एहसानी कर दिया। और डोंट वरी दोस्तों, फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल की यू सेल्फी यहाँ पे विवो ने विवो V29e के अंदर हमें प्रोवाइड की है। अगर आपको विवो V29e का डिजिटल कैमरा रिव्यू चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके लिए डेडिकेटेड विवो V29e का कैमरा वीडियो लेकर आऊंगा। बात करूं मैं यहाँ पे बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी विवो ने विवो V29e के अंदर हमें प्रोवाइड की है, जो कि 44 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी आपको दिन भर चलने ही वाली है। रैम टाइप और स्टोरेज टाइप के बारे में मैं यहाँ पे बताऊं दोस्तों, तो LPDDR4X रैम टाइप आपको Vivo V29e के अंदर हमें प्रोवाइड किया जाता है, और UFS 2.2 टाइप का स्टोरेज टाइप यहाँ पे हमें विवो ने प्रोवाइड किया है। अब ये यहाँ पे थोड़ा डाउनग्रेड पॉइंट मुझे लगा, क्योंकि UFS 3.0 या फिर 4.0 लेटेस्ट वर्जन स्टोरेज टाइप का यहाँ पे होता तो विवो V29e कंपटीशन में और भी बेहतर परफॉर्म करता। एंड्रॉइड 13 वर्जन के साथ विवो V29e आता है, पर कितने साल के OS अपडेट और सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको विवो V29e के अंदर विवो की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे ये अभी तक बताया नहीं गया। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सोचे होंगे कि इसके अंदर कौन सा IP रेटिंग गए, तो दोस्तों इसके बारे में भी कुछ भी क्लियरिटी विवो की तरफ से अभी तक दी नहीं गई है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विवो V29e के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज के लिए इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इसका लुक एंड डिजाइन। जी हाँ, विवो के फोन हमेशा अपने लुक एंड डिजाइन के लिए जाने जाते हैं, तो इसके अंदर जो डिजाइन आपको दिया गया है वो एकदम प्रीमियम और आई कैचिंग डिजाइन दिया गया है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है दोस्तों, डेफिनेटली पुराना प्रोसेसर है, पर अच्छी खासी गेमिंग भी आप यहाँ पे इस प्रोसेसर के साथ आराम से कर पाओगे। कैमरा भी इसका हाईलाइटेड पॉइंट है, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विवो V29e के अंदर हमें देकर कंपटीशन में अलग हटकर रहने की कोशिश यहाँ पे विवो ने की है। और हाँ दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी भी आपको यहाँ पे दिन भर चल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विवो V29e के सारे कॉन्स के बारे में। कॉन्स के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे इसका प्रोसेसर ही आता है। जी हाँ, ये एक साल पुराना प्रोसेसर है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। और हाँ, इसके अंदर जो स्टोरेज टाइप हमें प्रोवाइड किया गया है वो UFS 2.2 टाइप का स्टोरेज टाइप प्रोवाइड किया गया है। लेटेस्ट वर्जन अगर यहाँ पे हमें विवो देता तो और भी अच्छा होगा, और बहुत सारे अनवांटेड एप्स आपको विवो V29e के अंदर पहले से ही इंस्टॉल किए हुए दिखेंगे, और हॉट एप्स और हॉट गेम्स तो आप विवो V29e के अंदर से अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाओगे। अपडेट कितने साल के है पता नहीं है, ड्यूल स्पीकर इसके अंदर नहीं है, HDR का सपोर्ट नहीं है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों कैमरा से नहीं कर पाओगे, 3.5mm जैक भी हमें विवो V29e के अंदर प्रोवाइड नहीं किया गया है, FM रेडियो का भी सपोर्ट आपको विवो V29e के अंदर देखने को नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, ओवरऑल विवो V29e एक अच्छा फोन है, अगर आप कैमरा पर्पस के हिसाब से, डिसेंट गेमिंग के हिसाब से, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए विवो V29e खरीदने की सोचे हो तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। आपके विवो V29e के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और अगर आप टेक ब्यूरो के ऊपर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा टेक ब्यूरो के ऊपर आपके लिए लेकर आता रहता हूं। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।